हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग जानेंगे सोरियासिस के बारे में। तो मेरे साथ सोरियासिस के बारे में जानने के लिए, उसका कारण क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या प्रॉब्लम आता है ट्रीटमेंट में, ये सब जानने के लिए वीडियो को आपको अंत तक देखना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं आपके मोबाइल के नोटिफिकेशंस में आते रहें। तो दोस्तों आइए जानते हैं सोरियासिस के बारे में और उसका ट्रीटमेंट के बारे में। सोरियासिस एक स्किन डिजीज़ है जो आजकल लगभग बहुत सारे पेशेंट्स को हो रहा है। मेरे हम लोगों के पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स, हर हफ्ते हर दो चार दिन में एक नए पेशेंट्स आ रहे हैं। तो सोरियासिस में एक्चुअली क्या होता है, ये क्या चीज़ है? ये एक ऐसा स्किन डिजीज़ है जो ऑटोइम्यून कॉम्पोनेंट है, जो ऑटोइम्यूनिटी के कारण डेवलप करता है। और इसका लाइफ लॉन्ग सफरिंग पेशेंट का होता है। और एक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है स्किन का, जिसमें सिल्वरी स्केल्स मतलब वाइट एकदम स्केली टाइप का इरप्शन अगर आप खुजला दे तो निकलता है। और ये जनरली स्किन के जो एक्सटेंसर सरफेस है, जैसे इस साइड में और घुटने के बाहर साइड में, बाहर साइड्स में बॉडी के और जॉइंट्स में ज़्यादा अफेक्ट करता है। ये कॉमन लैंग्वेज में अगर आप सोरियासिस को समझे तो ऐसा ही आएगा। इसको हम लोग जब ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों को, पेशेंट्स को आंसर देना पड़ता है कि ये क्यों है, वो क्यों है। इसका इसको लेके, सोरियासिस को लेके पेशेंट्स के अंदर बहुत मिथ्स बैठे हैं और बहुत क्वेश्चंस है। इसी को मैं आज आंसर देने का कोशिश करूँगा। पहले तो दोस्तों हर पेशेंट्स का एक क्वेश्चन रहता है, मुझको ये क्यों हुआ, ये कब क्योर होगा, ये क्योर होगा कि नहीं होगा। दोस्तों सोरियासिस एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है और एक ऐसा टाइप का डिजीज़ है जो 100% शरीर से नहीं जाता है कभी भी। बेस्ट एंड बेस्ट ट्रीटमेंट देने के बाद इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। जो इरप्शन आपका स्किन में दिख रहा है उसको कम किया जा सकता है, जलन दर्द को कम किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत स्किन में कहीं ना कहीं रह जाता है। अगर इसको ठीक टाइम में ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए तो ये एडवांस स्टेज में अगर चला जाए तो इससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। जैसे सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी एक टर्म है, जिसमें एडवांस स्टेज में सोरियाटिक पेशेंट को जॉइंट्स में भी आपका इन्फ्लामेशंस होता है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डेलाइटिस हो सकता है, कमर का जो रीढ़ का हड्डी है वहाँ का जॉइंट्स सब इमोबिलाइज हो जाने पर हिलना डुलना बंद हो जा सकता है। और इससे बहुत सारे अगर आपका रिएक्शन बढ़ जाए, इन्फ्लामेशंस पूरा बॉडी में लाल लाल ऐसा इरप्शन हो जाए तो आँखों में या स्किन का कहीं पर भी इन्फेक्शंस वगैरह का चांसेस बढ़ जाता है। इटसेल्फ अगर सोरियासिस के पेशेंट्स को लेके चले कि उनका जो इरप्शंस है, स्किन का जो प्रॉब्लम है, वो भी अगर बॉडी के मैक्सिमम पार्ट्स में फैल जाए तो उनका भी जीना एकदम दुश्वार हो जाता है। और इतना इचिंग और इतना दिखने में डिस्फिगरेशन प्रॉब्लम होता है कि पेशेंट को बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। इसका कारण रिसर्च अभी तक चल रहा है। किसी किसी एंटीजेंस को हम लोग इसका कारण मानते हैं कि जेनेटिकली प्रीडिस्पोज पेशेंट होता है। जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डेलाइटिस में जो जीन होता है, जो लिकोसा एंटीजन HLA-B27 के साथ साथ HLA-B13 और B17, ये दो एंटीजेंस जिनमें पॉजिटिव होता है, उनका भी सोरियासिस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। या सोरियासिस होने के बाद इसका सफरिंग और जो आपका प्रोग्नोसिस या ठीक होने का चांसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है, लॉन्ग टर्म में आराम मिलता है। इसके साथ एक पॉजिटिव, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे, चाइल्डहुड कुछ इन्फेक्शंस, वायरल या बैक्टीरियल होने के बाद भी सोरियासिस का अटैक होने को देखने को मिलता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो आजकल निकल के आया है रिसर्च में, वो देखा गया है कि पेशेंट्स जो है जिसमें लाइफस्टाइल स्ट्रेस जिनमें ज़्यादा रहता है, आजकल का दिन का जो हम लोग जिसको बोलते हैं स्ट्रेस, एंड वर्क रिलेटेड या फैमिली रिलेटेड या सेल्फ रिलेटेड, खुद का कोई लाइफ में अगर दुख का ऐसा एपिसोड गया है, या पेशेंट डिप्रेस्ड है, टेंशन है, एंग्जस है, खास करके डिप्रेशन एंड स्ट्रेस
ऐसा कोई मानसिक तनाव, ऐसा कोई मानसिक दुख जिसको अगर हम लोग अवॉइड भी नहीं कर सकते और उसका सॉल्यूशन भी इमीडिएट हम लोगों के पास नहीं है, ऐसे सिचुएशन को हम लोग मेडिकल टर्म में डिस्ट्रेस बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रेस पेशेंट्स के ऊपर अगर हावी हो जाए तो ऐसे केसेस में सोरियासिस होने का चांसेस बढ़ जाता है। और अगर पेशेंट को ऐसे सोरियासिस पेशेंट को ये सब फेस करने का अगर कहीं पे ज़रूरत हुआ कि वो डिस्ट्रेस है बहुत, ऐसा कोई प्रॉब्लम है जिसको अवॉइड नहीं कर सकता है मेंटल, ऐसा कोई सिचुएशन लाइफ में जिसको सहन भी कर नहीं कर सकता और उसको वो ट्रीट भी नहीं कर सकता, उसको वो खुल के जी भी नहीं सकता, तब जाके ऐसे सिचुएशन में सोरियासिस बढ़ जाता है, ट्रिगर होता है। तो क्या किया जाए, ये तो रहा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। मैंने अभी तक जितना भी बताया कि प्रॉब्लम ऐसा है, यूं होता है, ऐसा होता है, तो क्या किया जाए। दोस्तों कॉन्वेंशनल जो एलोपैथिक केमिकल ट्रीटमेंट है उसमें सोरियासिस का पेशेंट्स का कभी कभी अच्छा रिजल्ट हो जाता है, इरप्शंस भी कम हो जाता है, रिएक्शंस भी कम हो जाता है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक ठीक नहीं रहता है। फिर सोरियासिस का एक कैरेक्टर होता है, उसको रिलैप्सिंग कैरेक्टर हम लोग बोलते हैं, रिलैप्स ये करता रहेगा और बार बार लाइफ लॉन्ग करता रहेगा। अगर कोई केमिकल ऐसा ट्रीटमेंट इसको बार बार दिया जाए पेशेंट को, तो एक टाइम में जाके वो केमिकल ड्रग से पेशेंट्स का लीवर या किडनी में इफेक्ट होने का चांसेस बढ़ जाता है। और जो भी अगर आप मेडिसिन ले, या स्टेरॉयड हो, या स्टेरॉयड ऑइंटमेंट हो, या नॉन स्टेरॉयडल कोई भी ड्रग सोरियासिस के लिए जो भी आपका केमिकल ड्रग्स दिया जाता है, ये सब अगर ले तो इसका 100% साइड इफेक्ट होगा ही, और इससे प्रॉब्लम सोरियासिस पेशेंट को दूसरा भी बीमारी आ जाता है। एक तो पहले है कि सोरियासिस के कारण पेशेंट का जीना ऐसे ही दुश्वार हो चुका है, और पेशेंट जो है वो सारा दिन इचिंग करते रहता है, खुजलाते रहता है, उसका कपड़ा पहनना, उसका चलना फिरना, उसका लाइफ में नॉर्मल लाइफ लीप करना उसका प्रॉब्लम हो रहा है। इसके साथ अगर किडनी या लीवर में कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम जुड़ जाए मेडिसिन के साइड इफेक्ट के कारण, तो पेशेंट बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है और पेशेंट को बहुत दिक्कतें आते हैं। तो एज ए होम्योपैथी डॉक्टर मैं आप लोगों से आज बात करूंगा कि होम्योपैथी में हम लोग सोरियासिस को लेके क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों होम्योपैथी में सोरियासिस का जो ट्रीटमेंट है इसके लिए, तो मैं फिर से एक बार आप लोगों को बोलूंगा दूसरे वीडियो की तरह कि आप लोग ज़रूर क्वालिफाइड, मतलब BHMS या MD डिग्री वाला क्वालिफाइड होम्योपैथ के पास जाइएगा और एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथ के पास जाइएगा, जिसका ये सब केसेस में खास करके ऑटोइम्यून डिसऑर्डर सोरियासिस, विटिलिगो, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सब में हैंडल करने का बहुत लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस है, उनके पेशेंट्स अच्छे हुए हैं, ये रिकॉर्डेड है या पेशेंट के साथ आपका बात हुआ है, तब आप वो डॉक्टर चॉइस कीजिएगा। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि डॉक्टर मेडिसिन कितने देते हैं, क्योंकि सोरियासिस का जो हम लोगों का ट्रीटमेंट अप्रोच है, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मिनिमम मेडिकेशंस के ऊपर करते हैं, और जो मेरा अप्रोच है उसके साथ मैं कुछ लाइफस्टाइल स्ट्रेंथ रिड्यूसर करने का कोई टिप्स वगैरह भी दे देता हूं पेशेंट्स को, कुछ उनके खाने पीने में अल्टरनेशंस भी करके डाइट चार्ट बना के दे देता हूं, और उसके साथ पेशेंट का प्रॉपर काउंसिलिंग जितना मेरे थोड़ा जो पेशेंट का कंसल्टिंग टाइम होता है उसके साथ मैं बैठ के जानने का कोशिश करता हूं कि लाइफ में स्ट्रेस या दुख का कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, पेशेंट डिप्रेस्ड है कि नहीं। अगर सीवियर डिप्रेशन या स्ट्रेस पेशेंट में हो जाए तो मैं उसको प्रॉपर साइकोलॉजिकल काउंसिलर के पास जाने का एडवाइस देता हूँ, या तो खुद से अगर सेल्फ काउंसिलिंग करके उसको कम किया जाए, तो मोटिवेट किया जाए तो पेशेंट को मैं कोशिश करता हूँ। ये मेरा ट्रीटमेंट अप्रोच है, इससे पेशेंट को ज़्यादा फायदा होता है। और जो भी होम्योपैथी में सोरियासिस का ट्रीटमेंट करेगा उसको तो पहले ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि मेरा जो प्रॉब्लम है ये इसको कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल मैं करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और कंट्रोल नेचुरल थेरेपी जो है होम्योपैथी एक नेचुरल थेरेपी, इसमें थोड़ा स्टार्टिंग में आपको टाइम लग सकता है 1-2 महीना, लेकिन अगर एक बार कंट्रोल हो जाए पेशेंट का जो कंडीशंस है, जो कष्ट आपको हो रहा है वो मिनिमाइज कर दिया जाए, जो इरप्शंस आपका निकला हुआ है उसको हम लोग कंट्रोल कर दे, तो ये एक टाइम में जाके आपको लॉन्ग टर्म में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में जाके बहुत सारे बेनिफिट्स पाना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथ के पास जाके खुद का ट्रीटमेंट कराना चाहिए, और ट्रीटमेंट में थोड़ा टाइम लग सकता है, 6 महीना से लेकर 2 साल भी लग सकता है, लेकिन कंट्रोल एज अर्ली एज पॉसिबल हो जाए। ऐसा नहीं है कि हर किसी को 6 महीना या दो
दो साल या एक साल लगेगा, किसी किसी को तो दो बार प्रिस्क्रिप्शन में एक महीने में भी कंट्रोल हो जाता है। तो दो चीजें होते हैं, एक आपको जो सिम्टम मिनिमाइजेशन है, पेशेंट का कष्ट जो है उसको कम करना, और जो इरप्शन स्प्रेड कर रहा है उसको लिमिट करना। उसके साथ साथ अगर एडवांस केस है, बहुत सारे पहले दवाई खा के आए हैं, एलोपैथी या कोई भी आप दवाई खा के आए, अगर कॉम्प्लिकेशन सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी या सोरियाटिक कोई भी इन्फ्लामेशन आपका डेवलप कर गया है, उसको अरेस्ट करना। ये टोटल ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं, इससे बेनिफिट तो होता ही है, और केमिकल ड्रग्स से आप दूर रह सकते हैं, और लाइफ लेंदी भी हो जाता है, और जितना आपको कष्ट हो रहा है उसको बहुत परसेंटेज में हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन आपको प्रॉपर होम्योपैथिक, क्लासिकल होम्योपैथी जो ट्रीटमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, उसको किसी अच्छे होम्योपैथ के पास से लेना है। और लास्ट में मैं कहूँगा, अगर ये जो एक प्रॉब्लम आजकल बन रहा है हर किसी डिजीज़ को लेके पैनिक हो जाना, तो सोरियासिस को लेके कोई स्टिग्मा या कोई दोष या कोई भी आप मन में कोई भी डिप्रेशन मत रखिएगा। अपना प्रॉब्लम जाके आप किसी भी अच्छे होम्योपैथ के साथ डिस्कस कीजिए, टाइम दीजिए। आप देखिए, अगर एडवांस इमरजेंसी रिएक्शन कभी हो जाए तो आप एलोपैथी के अच्छे डॉक्टर का भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ये रिकवरेबल है। 100% क्योर पेशेंट सब समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि ये 100% क्योर है कि नहीं, मैजिक हो जाए कि नहीं, उसका ठीक हो गया, इसका ठीक हो गया, मेरा ठीक हो जाएगा कि नहीं। तो इसको रिडक्शन किया जा सकता है, 100% क्योर कभी भी नहीं किया जा सकता। अगर आपका बॉडी का 50% एरिया में इरप्शन लेके आ रहे हैं, उसको अगर 1-2% में या 3% में, 5-10% में भी कम किया कर दिया जाए नेचुरल विदाउट एनी साइड इफेक्ट, ऐसा कोई ट्रीटमेंट के साथ, तो इससे बढ़िया और क्या होगा। तो ऐसे कोई आप मैजिक के उम्मीद में आप किसी भी डॉक्टर के पास मत जाइए कि उसका ठीक हो गया, मैजिक हो गया, मेरा भी ठीक होगा, मैजिक हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, वो जाएगा, या कोई ऐड दे के बिजनेस कर रहा है कि ये दवाई लीजिए, मैजिक रेमेडी है सोरियासिस के लिए, सोरियासिस ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए। प्रॉपर साइंटिफिक इलाज आपको चाहिए, प्रॉपर साइंटिफिक मेथड्स आपको फॉलो करना है, और इसको करने से आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारे पेशेंट्स को फ़ायदा मिल चुका है, आपको भी मिलेगा, और मेरे शुभकामनाएं आपके साथ है। अगर आप मेरे वीडियो को लाइक पसंद कर रहे हैं तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाई।